पार्टी में रणबीर कपूर की इस हरकत को देख सलमान ने जड़ दिया था जोरदार थप्पड़। और फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हमेशा से किसी न किसी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद उनका और रणबीर कपूर के बीच हुआ था। सलमान खान और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान कैट सलमान से दूर और रणबीर के करीब आ गई थी। हालांकि इस फिल्म में सलमान खान ने भी छोटी सी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को लेकर अक्सर चर्चा बनी ही रहती थी, कभी उनकी शादी को लेकर तो कभी सगाई को लेकर। लेकिन कुछ समय बाद इनका रिश्ता भी दम तोड़ दिया और ये अलग हो गए। कैटरीना कैफ ने रणबीर कपूर से अलग होने से पहले सलमान खान से बात की थी। कैटरीना और सलमान खान लंबे समय तक एक दूसरे के करीब रहे हैं। अपनी बहन अर्पिता की शादी में तो सलमान ने खुलकर कह दिया था कि कैटरीना तुमने खान बनने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया। कैटरीना कैफ की वजह से सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच अक्सर मनमुटाव की खबरें आती रहती थी। लेकिन यहाँ हम उस समय की बात कर रहे हैं जब रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में एंट्री भी नहीं ली थी। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक पब की पार्टी में हुई थी, जिस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि सलमान खान ने गुस्से में आकर रणबीर कपूर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद रणबीर पार्टी छोड़कर चले गए। जब इस बात का पता सलमान के पिता सलीम खान को चली तो उन्होंने ऋषि कपूर से माफी भी मांगी। इसके बाद जाकर ये मामला शांत हुआ, लेकिन आज भी इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।